नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक वायरस से विश्व युद्ध, अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इसे विश्वव्यापी महामारी करार दे दिया है कोरोना को। और इस बीच भारत में संक्रमित लोगों की तादाद आज बढ़कर 73 हो गई। डर और दहशत की स्थिति यह है कि सेंसेक्स आज 2919 अंक गिर गया। हालांकि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है जिससे कोरोना की महामारी को रोका जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित किया। महामारी घोषित होते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप। हर गुजरते दिन के साथ लुढ़कता ही जा रहा है सेंसेक्स। भारत ने विदेशी नागरिकों के भारत आने पर लगाई 15 अप्रैल तक रोक। दुनिया मानो थम सी गई है। दहशत हर मुल्क तक पहुंचा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से कोरोना से जंग लड़ रहा है। मेडिकल साइंस की दुनिया कोरोना का एंटीडॉट ढूंढ रही है। कामयाबी अब तक हाथ नहीं लगी है। बचाव ही सबसे बेहतर विकल्प है। यही देखते हुए भारत ने विदेशी नागरिकों के आने पर ही रोक लगा दी है। इसके तहत विदेशों से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्रतिबंध से राजनयिकों, अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी। ये प्रतिबंध 13 मार्च 2020 से ही लागू हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों के नियमित और ई वीजा पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले चीन, साउथ कोरिया, जापान, इटली पर भी ऐसी ही रोक लगाई गई थी। और ऐसा नहीं है कि विदेश में रहने वाला कोई भारतीय बेधड़क वतन लौट सकता है। आने से पहले उसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग सच ए बिग टास्क, हमारे इस समय देश में 51 लेबोरेटरीज और 56 जगह पर जो है कलेक्शन सेंटर्स, यानी मोर देन 100 प्लेसेस पर हमारी ये एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि देश में रहने वाले नागरिकों के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। हाल के दिनों में अपने मोबाइल पर आपने कॉलर ट्यून मैसेज में कोरोना से बचाव के उपाय और हेल्पलाइन नंबर के बारे में तो सुना ही होगा। इसके अलावा देश के हर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अलावा सरकार ने बंदरगाहों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। ये नियम उन जहाजों पर लागू होंगे जो कोरोना से ग्रसित देशों के पोर्ट पर 1 फरवरी के बाद रुके थे। जहां भी किसी संदिग्ध मरीज की इत्तला मिल रही है उसकी गहन पड़ताल की जा रही है। भारत में बिना साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेलिटीज को पूरा किए किसी को ऐसे हवाई जहाज में बिठा के वहां से नहीं लाया जा सकता।